स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स करवाने जा रहा हूं। इसके आज हम सेक्शन 6.2 करेंगे और सबसे पहले हम इसमें जो फॉर्मूलास यूज होंगे हम वो डिस्कस करते हैं। सपोज करिए आपके पास दो लाइंस हैं L और M और दिस लाइन N इज अ ट्रांसवर्सल बिटवीन टू लाइंस। अब यहां पर हम इन एंगल्स को मार्क कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब हम इन एंगल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। अगर ये दो लाइंस L और M हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, और तो इसमें इस लाइन के एंगल का ये ऊपर का एंगल 1 और ये एंगल 5, ये दोनों आपके पास होंगे कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स। अब इसके अलावा इनमें और भी जो कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं हम वो देखते हैं। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6, ये भी आपके पास कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। अब अगर ये दोनों ऊपर वाले एंगल्स हैं लाइंस के, वो कॉरेस्पोंडिंग है, उसी तरह से यहां से दोनों के नीचे वाले यानी कि एंगल 4 और एंगल 8, ये भी कॉरेस्पोंडिंग होंगे, और इधर से एंगल 3 और एंगल 6, ये भी कॉरेस्पोंडिंग होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 7। ऑल दीज आर द पेयर ऑफ कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स। और जो भी दो पैरेलल लाइंस में कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसी तरह से यहां पर इस लाइन का इधर से एंगल 3 और एंगल 5, इस लाइन के इस साइड पर एंगल 3 है और अपोजिट साइड पर एंगल 5 है। इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा एंगल अगर 3 और 5 इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 6, ये भी आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। और इसके अलावा यहां से अब अगर हम इस लाइन में एंगल 1 और इधर से एंगल 6 7 भी बराबर होंगे, इसका रीजन है दीज आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और इधर से एंगल 2 और एंगल 8, तो यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, यहां से हम लेंगे 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। इन दोनों का रीजन है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसके अलावा यहां से ये एंगल 1 और इधर से एंगल 3 और उधर से 2 और 4, ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। उसी तरह से एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8, तो हम ये भी लिख लेते हैं। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और इधर से एंगल 5 एंगल 7 के बराबर और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये हमारे पास है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहां पर जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये एंगल्स हैं, एंगल 4 और एंगल 5, ये दोनों इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा और इधर से एंगल 3 और एंगल 6 इनका सम 180 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री और उधर से एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री। इनका रीजन है सम ऑफ इंटीरियर एडजस्टेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। उसी तरह से ये दोनों एंगल्स, ये एक लाइन जो है यहां इसके ऊपर लाई करती है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज 180 डिग्री। इसका रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स उसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 6 that is equal to 180 degree, angle 7 plus angle 8
that is also equal to 180 degree. इनका same reason है, because they form pair of linear pair of angles. Next question है, हमारे पास figure given है, जिसमें AB CD के parallel और जो EF है, ये आपके पास CD के perpendicular है. और आपके पास ये एंगल गिवन है एंगल GED, ये आपके पास एंगल दिया है 126 डिग्री. एक तो हमें फाइंड करना है एंगल AGE, हम इसको मार्क कर देते हैं एंगल 1. दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है GEF, इसको हम मार्क कर देते हैं एंगल 2. और तीसरा हमें फाइंड करना है एंगल FGE, इसको हम मार्क कर देते हैं एंगल 3. अब यहां पर आपके पास देखो एंगल GED, ये आपके पास गिवन है 126 डिग्री, दैट इज गिवन. इसके अलावा हमें ये गिवन है EF, दैट इज परपेंडिकुलर टू CD. अगर EF CD के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब FED, एंगल FED और एंगल FEC, ये दोनों एंगल्स जो हैं, वो दोनों 90 डिग्री के हैं. अब हम ये एंगल लेके चलते हैं एंगल GED, दैट इज 126 डिग्री. एंगल GED को हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं. पहला है एंगल GEF, एंगल GEF प्लस दूसरा है एंगल FED, एंगल FED दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री. अब हमें ये फाइंड आउट किया है एंगल FED, ये 90 डिग्री के बराबर है. हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और एंगल GEF, ये हमने इसको लिया है एंगल 2 के बराबर, तो इसको हम 90 डिग्री पुट करेंगे, दैट इज 126 डिग्री. सो एंगल 2 इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल 2 आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री. तो हमारे पास एक एंगल जो हमने फाइंड करना है एंगल GEF, वो तो हमें फाइंड आउट हो गया, वो आपके पास आया है 36 डिग्री. अब उसके बाद हमारे पास जो है, हमने इसको एंगल को हम एंगल 3 मान लेते हैं. अब यहां पर एंगल FEC, एंगल FEC वो 90 डिग्री के बराबर है. अब एंगल FEC दो हिस्सों में डिवाइडेड है. एक तो एंगल है FEG, एंगल FEG प्लस दूसरा एंगल है GEC, 90 डिग्री के बराबर है. तो यहां से एंगल GEF, इसको हमने एंगल 2 का नाम दिया है और एंगल GEC को हमने एंगल 3 का नाम दिया है. तो अब हमने यहां से एंगल 2 की वैल्यू निकाल ली है, 36 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 36, तो एंगल 3 आपके पास आ जाएगा 54 डिग्री. अब उसके बाद यहां से आपके पास एंगल 3, यहां पर इसको हम एंगल 4 मान लेते हैं, इसको हमने 3 माना है. अब इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है एंगल 1. नाउ अब इसमें जो है ये AB और CD पैरेलल है. अगर हम इसको मान के चले कि एंगल GE उसका ट्रांसवर्सल है, दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल AGE प्लस एंगल GEC, इनका सम 180 डिग्री है. इसका रीजन है सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स. अब यहां से इसको हम लेते हैं 1 प्लस दूसरा है एंगल 3, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हम यहां पर एंगल 3 की वैल्यू करेंगे, एंगल 1 प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास 126 डिग्री.
अब हमारे पास इसका मतलब है एंगल ए जी ई की वैल्यू भी आ गई, एंगल ए जी ई दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। नाउ अब हमारे पास लास्ट एंगल रह गया है एफ जी ई। अब एंगल ए जी ई और एंगल ई जी एफ इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है। अब यहां से एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसका मतलब है एंगल ए जी ई की वैल्यू हम 126 डिग्री पुट करेंगे प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 54। सो दिस इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास फिगर गिवन है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है और यहां पर एंगल वाई और एंगल जेड इनकी रेशियो दी है 3:7। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम यहां पर इन एंगल्स को मार्क कर देते हैं, जैसे इसको हम मार्क कर देते हैं एंगल वन। नाउ यहां से अगर आप देखोगे, क्योंकि ये तीनों लाइंस जैसे अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल, तो सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि ये तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। नाउ यहां से एंगल एस टी ई, एंगल एस टी ई प्लस एंगल एस टी एफ इन दोनों का सम 180 डिग्री है, बिकॉज दीज फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल एस टी एफ को हमने एस टी ई को नाम दिया है, मार्क किया है एंगल वन, एंगल वन प्लस एंगल जेड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से उसी तरह से एंगल आर एस सी, एंगल आर एस सी प्लस एंगल और एंगल एस टी ई, एंगल एस टी ई ये दोनों लाइंस के ऊपर का ये एंगल और ये एंगल आपस में ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दीज आर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब है एंगल आर एस सी इसको हमने लिया है वाई और एंगल एस जेड ई इसको हमने मार्क किया है एंगल वन। अब हम क्या करेंगे, इसमें एंगल वन की जगह पर हम फर्स्ट इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर एंगल वन जो है इसकी जगह हम वाई लिख देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अब हमें स्टेटमेंट में दिया है वाई रेशो जेड दैट इज इक्वल टू 3:7। तो हम मान लेते हैं लेट एंगल वाई जो है वो 3t के बराबर है और एंगल z जो है वो 7t के बराबर है। अब यहां पर स्टेटमेंट में दिया है y plus z is 180 डिग्री, तो हम y की जगह पर पुट करेंगे 3t plus z की जगह पर 7t that is equal to 180। Now 3t plus 7t 10t is equal to 180 डिग्री। यहां से t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18 डिग्री के बराबर। अब यहां से इसका मतलब है एंगल वाई हमारे पास कितना आएगा 3t, यानी कि 3 × 18 ये आ जाएगा 54 डिग्री। जेड है 7t के बराबर, यानी कि 7 × 18 डिग्री ये आ जाएगा 126 डिग्री। अब हमें वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब ये हमारे पास एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस प्लस एंगल आर एस सी इन दोनों का सम 180 डिग्री है, बिकॉज दीज फॉर्म सम ऑफ इंटीरियर एडजस्टेंट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एडजस्टेंट एंगल्स।
अब यहां से हमारे पास जो एंगल ए आर एस है वो एक्स के बराबर है और एंगल आर एफ सी ये वाई के बराबर है। एंगल वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो है 54 डिग्री, तो एक्स प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी। अब यहां पर आप देखिए, दिस ए आर ए दैट स्टैंड ऑन दिस लाइन पी एस, दैट मीन्स एंगल ए आर पी प्लस एंगल ए आर एस दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज टू एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाउ एंगल ए आर पी ये 50 डिग्री के बराबर है, एंगल ए आर एस ये हमारे पास एक्स के बराबर है, दैट मीन्स 50 डिग्री प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 180। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 130 डिग्री। उसी तरह से अब यहां पर सी एस, इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं टी, एंगल सी एस टी दैट इज इक्वल टू एंगल आर एस डी। नाउ दीज टू आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अब यहां पर एंगल आर एस टी वाई के बराबर है और एंगल सी एस टी 130 डिग्री के बराबर है, दैट मीन्स यहां से हमारे पास वाई की वैल्यू मिल जाएगी 130 डिग्री। हम इसको सेकंड से मार्क कर देते हैं और इस एक्स एंगल को फर्स्ट पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब यहां पर एक्स की वैल्यू भी 130 डिग्री है, वाई की वैल्यू भी 130 डिग्री है, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए आर एस और हमारे पास दूसरा एंगल आर एस डी, एंगल ए आर एस दैट इज इक्वल टू आर एस डी, ये दोनों बराबर हैं, बट दीज फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, बट दीज फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स सभी बनते हैं अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। देयरफॉर ए बी लाइन जो है वो सी डी लाइन के पैरेलल होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास फिगर गिवन है जिसमें ए बी और जो इसमें सी डी है, ए बी और सी डी पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू ये आपके पास गिवन है 50 डिग्री, एंगल पी आर डी ये दिया है 127 डिग्री। हमें एक तो ये एंगल एक्स और एक एंगल वाई फाइंड आउट करना है। नाउ अब क्योंकि हमें पता है कि ए बी और सी डी ये आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है कि एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू और इधर से एंगल पी क्यू आर ये दोनों बराबर हैं, बिकॉज एंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू आर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसमें ए बी और सी डी में पी क्यू ट्रांसवर्सल है, इसलिए यहां से दीज आर फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दैट मीन्स जो एंगल ए पी क्यू है वो 50 डिग्री के बराबर है
और एंगल पी क्यू आर वो एक्स के बराबर है, तो यहां से एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50 डिग्री। अब हमें एंगल वाई फाइंड करना है। अब उसी तरह से जैसे इसमें पी क्यू ट्रांसवर्सल था, अब जब ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो पी आर उसका ट्रांसवर्सल है। नाउ अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर ये किसके बराबर होगा, एंगल पी आर डी के बराबर। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ जो आपके पास एंगल ए पी आर है, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए पी आर को एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। एंगल ए पी क्यू आपके पास है 50 डिग्री के बराबर और एंगल क्यू पी आर जो है वो वाई के बराबर है। इसका मतलब है अगर हम यहां पर पुट करें वैल्यूज को, तो ए पी आर एंगल की वैल्यू है 50 डिग्री प्लस वाई, और एंगल पी आर डी इसकी वैल्यू है 127 डिग्री। तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास फिगर गिवन है जिसमें पी क्यू और आर एस ये दोनों जो है मिरर्स हैं जो एक दूसरे के पैरल में प्लेस किए हुए हैं। एक इंसिडेंट रे ए बी यहां पर इस मिरर पी क्यू को जो है स्ट्राइक करती है बी पॉइंट पर, वहां पर स्ट्राइक करने के बाद वो टकरा कर मुड़ती है जो है, और दूसरे मिरर को जो है एंड स्ट्राइक्स दिस रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, यहाँ बी सी पाथ की तरफ मुड़ती है, और उसके बाद दूसरे मिरर जो है आर एस को सी पॉइंट पर जो है वो टकराती है, उसके बाद दोबारा से वो सी डी पाथ की तरफ जो है मुड़ जाती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। अब इसमें देखिए जो बी एन और सी एन ये दोनों मिलर के जो है नॉर्मल्स हैं, ठीक है, बी एन एंड सी एन एम आर द टू नॉर्मल्स टू मिरर्स पी क्यू एंड आर। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब क्या है, जो बी एन है वो पी क्यू के, बी एन जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, और जो सी एम है वो आर एस के परपेंडिकुलर है। इसके अलावा हमें ये गिवन है कि पी क्यू और आर एस ये दोनों मिरर्स पैरेलल हैं, पी क्यू वो आर एस के पैरेलल है। अब हम यहां पर अगर बी एन पी क्यू के परपेंडिकुलर है और पी क्यू आर एस के पैरेलल है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास ये मिल जाएगा कि जो बी एन है वो आर एस के भी परपेंडिकुलर है। अगर हम इन दोनों को अब कंबाइन करें तो अगर सी एम आर एस के परपेंडिकुलर है और बी एन जो है आर एस के परपेंडिकुलर है, तो ये आपस में पैरेलल होंगी, बी एन इज पैरल टू सी एम। इसका रीजन है टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू, टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन आर पैरल टू ईच अदर। अगर कोई भी दो लाइन्स एक ही लाइन के परपेंडिकुलर होंगी तो वो आपस में पैरल है। अब हमें मिल गया कि बी एन जो है वो सी एम के पैरल है, बी एन सी एम के पैरल है, और जो सी बी है और यू कैन से बी सी दैट इज द ट्रांसवर्सल एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल।
अगर ये उसका ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। इसका रीजन है दीज फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब यहां पर जो एंगल्स को देखेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ यहां से जो है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन है। और अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहां से एंगल इंसिडेंट ले जाती है और जहां से एंगल रिफ्लेक्ट होती है वो दोनों एंगल्स नॉर्मल के साथ इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहां से हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो। अब हम यहां से लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको हम बिकॉज एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं तो हम एंगल 1 की जगह पर भी एंगल 2 रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2। उसी तरह से जब हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेते हैं और यहां पर भी हम एंगल 4 की जगह पर हम एंगल 3 रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3। नाउ अब यहां से हम इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को यूज करेंगे। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। अब यहां से दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल बी सी डी के बराबर। और इधर से एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये दोनों मिलाकर किसके बराबर है? एंगल ए बी सी के बराबर। अब यहां से अगर आप देखें एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, बट दीज फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर ये तभी पॉसिबल है अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड दिस इज अ प्रूफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास फिगर गिवन है जिसमें पी क्यू और एस टी ये आपस में पैरेलल हैं और इसके अलावा हमें ये गिवन है एंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री और दूसरा आर एस टी ये दिया है 130 डिग्री के बराबर। हमें फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एस। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपके पास PQ और ST दोनों के पैरेलल होगी, जिसको हम M और N इसका नाम दे देंगे। यहां पर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू बोथ PQ एंड ST। अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम इनको एंगल्स को मार्क कर देते हैं 1, इसको 2 और इसको 3। नाउ अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये QR उसका ट्रांसवर्सल हुआ तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। नाउ सिंस PQ इज पैरेलल टू MN देयरफॉर एंगल PQR एंगल PQR प्लस एंगल QRM दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन है सम ऑफ इंटीरियर एडजस्टेंट एंगल्स। अब एंगल पी क्यू आर वो 110 डिग्री के बराबर है और एंगल क्यू आर एम एंगल 1 के बराबर है, सो दैट इज इक्वल टू 180। तो यहां से हमें एंगल 1 की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये एंगल आ जाएगा 70 डिग्री के बराबर। उसी तरह से हम ये लेके चलते हैं एस टी दैट इज पैरेलल टू एम एन ऑल्सो और
जो एस आर है दैट इज द ट्रांसवर्सल, तो इस केस में एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन, एंगल एस आर एन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. इसका भी वही रीजन है, सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल. अब एंगल टी एस आर इसकी वैल्यू है 130 डिग्री, सो 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन इसकी वैल्यू है एंगल थ्री, सो दैट इज इक्वल टू 180. अब यहां से हम एंगल सी फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल 3 आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री के बराबर. अब हमारे पास एंगल 1 फाइंड आउट हो गया, एंगल 3 फाइंड आउट हो गया. अब आप इसमें देखो, बिकॉज़ MN एक स्ट्रेट लाइन है, QR और SR ये दोनों उसके ट्रांसवर्सल हुए, तो यहां पर एंगल QRM प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRN दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब इनको हम मार्क करते हैं पॉइंट्स 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 1 की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है दैट इज 70 डिग्री. एंगल 2 हमने फाइंड आउट करना है, एंगल 3 है 50 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ 70 प्लस 50 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहां से एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 2 आपके पास मिल जाएगा एंगल 60 डिग्री के बराबर. एंगल 2 एंगल क्यू आर एस के बराबर है, ये हमें फाइंड आउट करना था, सो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री. सो दिस वन इज